हेलो एवरीवन, आज इंडियन किचन थीम में बनाएंगे हम लोग नवाबी पनीर। नवाबी पनीर जो वाइट ग्रेवी के साथ बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊंगी आज ये बनाना। यहाँ पे मैंने कुछ आमंड्स लिए थे, लगभग 15। इनको भिगा दिया था और इनका छिलका मैंने इस तरीके से उतार लिया है, तो आधे घंटे के लिए भिगाया हुआ था। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू, इसको भी मैंने भिगा दिया था पानी में। और यहाँ पे पॉपी सीड यानी कि खसखस लिया हुआ है, इसको भी साथ में ही भिगा के रखा हुआ था मैंने। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको रफली चॉप किया हुआ है। छोटी हरी मिर्ची ली है मैंने लगभग 3। इनका हम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, यहाँ पे बारीक पेस्ट हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। और अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमने जो ड्राई नट्स भिगा के रखे हुए थे उसको इसी जार में हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू डाल दिए हैं, भीगे हुए बादाम और साथ में ये खसखस जो पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको भी बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे क्योंकि हमें वाइट ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पे हम टमाटर या लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया है 400 ग्राम, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी, लगभग 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें कुछ साबुत मसाले हम डालेंगे, जिसमें 2 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का, 3 लौंग ली है, 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है कसूरी मेथी, जिसको तवे पे मैंने भून लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब ये हम खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। इसका मुंह थोड़ा सा खोल देते हैं जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। कसूरी मेथी हम बचा के रखेंगे क्योंकि इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसको क्रैकल कर लेते हैं अच्छे से। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था। प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, लगभग 1 टेबल स्पून। प्याज अदरक लहसुन को हम साथ में ही भून लेंगे, तो लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं हमें प्याज को भूनने में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्याज का पानी सूख चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई नट्स के पेस्ट जो हमने बना के रखे थे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। तो नवाबी पनीर बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और ये जार मैंने धो लिया है जिसमें ड्राई नट्स मैंने पीसे थे, तो उसका पानी, आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस पनीर की ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बॉयल आने लग गया है, इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर इसको पका लेंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च वाले पनीर आप जब भी बनाएं तो इस तरीके से ही बनाएं। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स कर लेते हैं और धनिए को अच्छे से पका लेंगे। ढक देती हूँ जिससे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के पका लेंगे। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी। दो
दोबारा से ढक के इसको पका लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे फेटी हुई दही। तो लगभग एक कप दही ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि फेट लिया था उसको अच्छे से। फ्रेश दही लेना है, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। और कंटिन्यूस इसको चलाते हुए हम बॉयल आने देंगे। दही डालने के बाद इसको कंटिन्यूस स्टेयर करिए, अदरवाइज दही आपकी फट सकती है। यहाँ पे देखिए ये बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, पर इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं पनीर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सैफ्रॉन पानी में भिगा के रख दिए थे, इससे बिल्कुल इसमें नवाबी कलर आ जाता है थोड़ा सा, और बहुत ही देखने में भी सुंदर लगता है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने जो सैफ्रॉन के स्ट्रैंड्स हैं वो बचा लिए हैं और उसका पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। वो केसर के धागे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ में लेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। पनीर को बहुत देर तक नहीं पकाना है हमें, 5 से 7 मिनट तक हम कुक करेंगे केवल, जिससे कच्चापन निकल जाए पनीर का। यहाँ पे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारी पनीर, नवाबी पनीर वाइट ग्रेवी के साथ बनके तैयार है। इसको धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेंगे। मैंने पनीर की और भी रेसिपीज अपने चैनल पे शेयर कर रखी हैं, तो आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे मैंने ये केसर के धागे इस पे गार्निश कर दिए हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और इजी स्टेप्स में मैंने बताया है, आप इसको बना सकते हैं। और कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रिपरेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारी देख पा रहे हैं आप नवाबी पनीर बिल्कुल बनके तैयार है वाइट ग्रेवी वाली। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी में आपके साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।